राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। संजय लैला भंसाली जी ने कड़ी सेना को आमंत्रित किया है फिल्म देखने के लिए और इस आमंत्रण को लोकेंद्र जी ने स्वीकार कर लिया है। क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? सर एक बात बताइए, कोर्ट कोर्ट के पास 64,000 केस पेंडिंग है। बंसाली जी एक दिन में वो जाते हैं कोर्ट और अपना डिसीजन करवा के आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। नहीं, यहाँ पे केस को सुना जाता है, अगर हो सकता है तो कर देते हैं। नहीं, बात बताइए, 64,000 केसों पे क्यों सुनवाई नहीं? एग्जैक्टली, सबूत आएंगे, तमाम चीजें होती है, लंबा प्रोसेस चलता है। अगर सामने रखा है तो रखा गया है। कोर्ट ने, आप कोर्ट की बात छोड़िए, कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं बीच की बात कर रहा हूँ, आप सीधे राकेश जी बीच। कोर्ट की बात छोड़िए, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उस पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते ना। मैं सवाल खड़ा कर सकता हूँ, वो डिसीजन हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो तो होगा ही होगा। आप ये बताइए कि आप लोग बातचीत करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं क्या? आप हम तो पहले दिन से मांग कर रहे हैं कि राजपूत समाज के जो राजघराने हैं, जो हमारे करनी सेना के कालवी जी हैं, राष्ट्रीय जो इसके जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हैं, इन जो समाज के जो लोग हैं उनको क्यों नहीं दिखाई जा रही फिल्म? अभी बुलाया है आप मीडिया को जो बिकी हुई मीडिया है, कुछ मीडिया बिकी हुई है, उनको दिखा दो। मंच पे खड़े होकर ना कहिए बिकी हुई मीडिया। कम से कम आप कुछ नहीं आप बताइए ना कुछ मीडिया आप राजपूत समाज को नहीं, आपको आपको मंच अगर दे रहे हैं तो सभी लोग मंच दे रहे हैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी आपकी बात तो सुनी जा रही है, आपकी बात कही जा रही है, ठीक है? नहीं, आप ये बताइए सर कि केंद्र सरकार जो कुछ मीडिया कह रही है कि अपने समाज। चलिए शांतनु जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल शांतनु जी मैं आपके पास आऊंगा। बीच का रास्ता निकल सकता है कुछ? समाज तो ये कभी से कह रहा है कि भाई जो चीज बिल्कुल जो हमें नहीं, समाज के जो बार बार ठेस पहुंचा रही है, अगर उस चीज के अंदर करेक्शन की जाए तो ठीक है। आप देखेंगे, अगर बाहुबली फिल्म बनी और बाहुबली फिल्म ने कितना पैसा कमाया, वो बाहुबली फिल्म भी तो क्षत्रिय समाज में ही बनी ना, लेकिन वो फिल्म पूरी काल्पनिक थी। अगर बंसाली जी को ऐसी फिल्म बनानी थी तो काल्पनिक फिल्म बनाते, ना कि वहां चित्तौड़ का जिक्र करते। बार बार वो रतन सिंह का जिक्र कर रहे हैं, हमारी माता समान पद्मावती जी का बार बार वो जिक्र कर रहे हैं, खिलजी का वो जिक्र कर रहे हैं। अगर उन्हें काल्पनिक फिल्म बनानी थी तो काल्पनिक बनाते, कौन रोक रहा था उनको? ये तो हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि भाई रास्ता तो ये निकल सकता था। आप इस चीज को काल्पनिक रखते, आप तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाला काम करने लग गए। मतलब क्या ऐसा हो जाए कि राजपूत समाज और करनी सेना की मैं बात करूं सर? बिल्कुल शांतनु जी, क्या हो जाए अगर, क्या कर दें वो, तो ये फिल्म रिलीज होने का रास्ता साफ होगा आपकी नजरों में? नहीं, जो हमने तो ये मांग पहले रखी थी, अगर आपने वो कमेटी बनाई और अगर आप उनके वंशज को बुला रहे हैं और आप इतिहासकारों को बुला रहे हैं, अगर आप उनको बुला के और फिल्म के अंदर आपको जो लगता है कि जो सही नहीं है, जिससे समाज टूटने का काम हो रहा है, अगर वो आज भी आप हटाएं और उन लोगों को दिखाया जाए और वो लोग हमारे प्रतिनिधि हैं हमारे समाज के, और अगर वो ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएं, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। हम कहां चाहते हैं कि हमारे युवा साथियों के ऊपर केस दर्ज हो, उनकी जिंदगियां खराब हो, लेकिन ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना कि अगर बार बार प्रदेशों को ऐसे ही जलाना है, इन लोगों ने समाज को तोड़ने का काम करना है, तो इनको सोचना पड़ेगा एक बार। चलिए धर्मवीर जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्या आपको लग रहा है बीच का रास्ता निकल रहा है? सरकार जो कुछ कर रही है वो भी प्रयास कर रही है अपनी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट भी कई सरकारें फिर से कहीं विचार याचिका को लेकर। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये, जब आपको याद होगा कि राजस्थान के अंदर जब ये शूटिंग हो रही थी, तब एक बार एक मॉल के अंदर थोड़ी सी इसमें आगजनी भी हुई थी, तो तभी से सरकार को ये पता लगा लेना चाहिए था कि ये जो बात है ये आगे जाके उग्र हो सकती है। नहीं, तो ये संज्ञान तो पहले ले लेना हो गया था, लेकिन भाजपा ने, क्योंकि इसकी आदत ही दौरी राजनीति करने की है, और राजपूत समाज के भी समझौता हुआ था कि फिल्म बनेगी तो दिखाएंगे, अगर पास होगी तो पास करवाएंगे, ये समझौता उस वक्त हुआ था, तब वो शूटिंग हुई थी। हाँ, तो फिर अगर वही तो बात है ना शरद जी, तब समझौता इन्होंने दिखाने के लिए कर लिया, लेकिन वो समझौता सरकार पूरा नहीं करवा पा रही है। अब देखिए ये क्यों नहीं हो पा रहा, ये सरकार की दोहरी राजनीति है, डिवाइड एंड रूल का जो भाजपा का जो पूरा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है और कुछ नहीं है। अब बात ये है कि सरकार जो है, सरकार अगर कोर्ट में, अगर कोर्ट ने अगर अलाउ कर दिया ऐसे, तो सरकार को आउट ऑफ कोर्ट कम से कम इतना तो कर लेना चाहिए कि सारे पक्षों को बुलाकर आराम से बिठाकर और मूवी दिखा के जो कटवाना है, सीन रखवाना है या जो भी है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा के और मूवी रिलीज कराएं, या फिर पूरी मूवी पूरी तरीके से बैन कराएं। दोनों में से कोई एक काम तो सरकार को करना पड़ेगा। बिल्कुल अनुरोध जी, इस बात का जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जा पर हैं, या फिर केंद्र की सरकार भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, डिबेट भी चल रही है, हर जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, तो क्या सरकार मध्यस्थता कर सकती है फिल्म निर्माताओं और राजपूत समाज के बीच में? समझ में नहीं आ रहा कि एक फिल्मकार कुछ ना कुछ तो इनको करना ही पड़ेगा। एक फिल्मकार फिल्म बना रहा है और बहुत फिल्में पहले भी बनी है, और पहली
जो फिल्में बनी है उन पर कई फिल्मों में विवाद भी हुआ है जी। अब इसमें राजनीति का विषय कहां से आ गया सर? कानून व्यवस्था आपको समझ नहीं? अरे सुनो भाई, कानून व्यवस्था आपको समझ? सुनो सर, हाँ कानून कानून व्यवस्था आ गई है, लेकिन वो कह रहे हैं ना राजनीति चल रही है। एक मिनट भाई, मैं आपसे जाने से पहले सुन लीजिए, राकेश जी सुन लीजिए एक मिनट बोलिए। इसमें राजनीति कहां से आ गई पहली बात तो ये है फिल्म, और फिर बीच में कहा कि मेरे भाई ने कहा कि जब इसकी शूटिंग हो रही थी तब भी समझौता हुआ, तब जिन लोगों ने विवाद किया, जो लोग वहां आए जिनको लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, उनके साथ बैठ के कुछ चर्चा हुई कि उसका मुझे जानकारी नहीं है। जो भी चर्चा हुई, शूटिंग वहां से हट गई, बाहर शूटिंग हुई, भाई ये ऐसा नहीं होगा, तो आपको जानकारी नहीं है ना? मैं बिल्कुल नहीं, मैं देखिए मुझे सारी दुनिया की जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं लेकिन एक मिनट जो अभी वक्त बचा है, मैं आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए, केवल उसकी जानकारी रखूंगा जहां भारत के सम्मान और स्वाभिमान की चोट होगी, मुझे और कोई जानकारी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है, मैं ये कह रहा हूं, पूरा सम्मान रख मुझे लगता है, अगर इस फिल्म के माध्यम से भारत के स्वाभिमान और सम्मान पे चोट हो रही है ऐसा दिखाया गया है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं वो गलत है। सर मैं आपसे अनुरोध जी, अनुरोध जी बंद कर रहे हैं, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं अनुरोध जी, अनुरोध जी आपकी बात आप कह चुके हैं, मानने वाले लोग हैं, अराजक नहीं है। अनुरोध जी सुनिए, अनुरोध जी क्या सरकार बीच बचाव करेगी? मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूँ, आप सरकार बीच बचाव करेगी, मध्यस्थता करेगी? मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये। नहीं, अगर इसका कोई हल निकलता है, सरकार तो हमेशा हल चाहती है, सरकार ये थोड़ी चाहती है कि अशांति हो, सरकार ये थोड़ी चाहती है कि हिंसा फैले, सरकार तो ये चाहती है प्रयास क्या करें सर, इसके लिए प्रयास क्या करें? कुछ नहीं करना चाहते। अरे आप रोटियां मत सेको यार, राजनीति की रोटियां मत सेको। इस कांग्रेस ने 70 साल तक इस देश में वोट बैंक की राजनीति की। सर 70 साल छोड़िए, अभी आइए सर, वही काम कर रहे हो आप भी, वही काम कर रहे हो जी, प्रयास क्या कर रहे हैं आप? क्या जाने उनके सम्मान को, दूसरे को बोल रहे उल्टा, आप क्या जाने अनिरुद्ध जी, प्रयास जवाब सुनिए अनुरुद्ध जी, प्रयास सरकार की ओर से कुछ किया जा रहा है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। सरकार की ओर से पहले भी प्रयास हुआ है और इन लोगों से बातचीत हुई है सरकार से, मामला और आपको सबने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा हम अपने राज्य में नहीं लागू ये फिल्म प्रदर्शित होने देंगे, हमारी जो वसुंधरा जी ने कहा। अब आप इस तरफ की बात, क्या चाहते हैं? एक तरफ की बात हो गई, मध्यस्थता क्या करोगे? चलिए दलवीर जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में टीवी में भी बोल रहे हैं, और क्या चाहिए दलवीर जी? मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, इस पूरे मैटर में विपक्षी पार्टी के तौर पर आप क्या देख रहे हैं, सरकार कहां पर चूक कर रही है? दलवीर जी आखिरी सवाल मैं आपसे करूं। सर अवस्थी जी, मैं तो एक ही बात कहता हूं, सरकार चूक ही नहीं करी, दोहरा मापदंड में तो प्रूव कर सकता हूं। प्रवक्ता जी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी भी दो तरह की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी बातें कर रहे हैं और सामाजिक संगठनों की तरह भी बात कर रहे हैं। विकल्प है, था विकल्प समय रहते हुए, परंतु भारतीय जनता पार्टी चाहती है विवाद कोई देश में चलता रहे, ताकि ध्यान दूसरी जगह से दूसरे चले जाए। आज डीजल 63 रुपए हो गया, ये इतिहास बन गया है, कांग्रेस को कोसते रहते थे, लोग उधर ध्यान नहीं दे, लोग उधर प्लीज यार, हम तो बीच में सर, हम तो बीच में बोलते ही नहीं, मैं तो बात वही तो लेकर आ रहा हूँ। सरकार अगर चाहे, प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे नहीं, आप कह रहे प्रधानमंत्री, मैं भी कह रहा हूँ इतिहास से छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार आज भारतीय जनता पार्टी के सेंटर में, हरियाणा की एक बात मैं बताना चाहूंगा, एक महीना विवाद रहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से एक दिन पहले बैन की, क्या एक महीने पहले बैन नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, परंतु हरियाणा विवाद इन्होंने रखना था एक महीना विवाद रखा। चलिए राकेश जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, वक्त कम है, राकेश जी आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगा, इस बात की उम्मीद की जाए कि कोई हिंसा नहीं होगी और अहिंसा पूर्वक तरह से आप आंदोलन चलाएंगे भी और कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच कोई समझौता हो जाए? सर हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को कुछ सद्बुद्धि दे भगवान कि इस फिल्म को बैन करवाए किसी तरह। हम राष्ट्रपति महोदय के पास भी जा रहे हैं, केंद्र सरकार गृह मंत्री के पास भी जा रहे हैं कि इसको किसी तरह भी इस देश को बचा लो। कि अरे हम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ करनी सेना की ओर से कि हम लोग हिंसा की ओर नहीं बढ़ेंगे। चलिए हमें उम्मीद करते हैं कि हिंसा यहाँ पर नहीं होगी, दोनों पक्षों के बीच कुछ समझौता होगा। तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, धन्यवाद देता हूँ।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास पेशकश में था। एमएचवाई न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी।